दुनिया भर में हुई बैंक डकैतियों के इतिहास में सब तो वड्डी 5,70,00,000 की बैंक डकैती भाई जिंदे की जुबानी। जथेबंदी हथियारों लई बहुत पैसा चाहिए सी, जो छोटिया छोटिया बैंक डकैतियों नाल पूरा नहीं सी हो सकता। नाले एक वड्डे एक्शन जिनी ही तैयारी छोटी बैंक डकैती लई भी करनी पैंदी सी। इसलिए असी सलाह की कि क्यों ना वड्डी बैंक डकैती की जाए। अपने नाल काफ़ी ठीक ठाक सिंह हन ते हथियार भी। इस बारे मीटिंग हुई। मीटिंग तो बाद बैंक वेखण ते सिंघां नूं सांभण दी ड्यूटी मेरी लगी। चरणजीत सिंह तलवंडी दी ट्रकां ते कारां दी, बापू मलकीत सिंह दी हथियारां दी, इस तरह सारे सिंघां दीआं ड्यूटियां ला दित्तियां। फिर मैं एक बैंक लुधियाना इंडस्ट्रियल एरिए पसंद कर लिया, खास वीरां नूं विखाया, सारिआं नूं ठीक लगा अते असी सारा हिसाब अंदर जाके ते बाहरों लाया। उस बैंक में 6 गार्ड पुलिस वाले ते 3 बैंक गार्ड वखरे सन। मेन सड़क ते बैंक सी ते थोड़ी दूर पुलिस चौंकी सी। एक गार्ड की जगह बैंक अंदर मोर्चा बना के बनाई सी, पौड़ी ला के चढ़दा सी। तकरीबन 300 मुलाजम काम करते सन। बैंक तो 2 किलोमीटर दूर असी रेंदे सी। असी रोज़ ट्रैक सूट पा के, मैं, बाबा मंजू ते लाभ सिंह सवेरे 5 बजे जॉगिंग दे बहाने सवेर शाम वेखदे सी। फिर तैयार होकर 8 बजे तो 2 बजे तक वेखदे सी। इस तरह महीना वेखदे रहे। फिर असी सोचा कि इन्ने गार्ड काबू करने बड़े मुश्किल हैं, बहुत स्कीमां लाइया गई। फिर असी सोचा कि यह काम पुलिस दीआं वर्दियां विच कीता जावे। बैंक के बारे सानू जानकारी सी कि उत्थे 15-20 करोड़ रुपया हुंदा। फिर असी धन्ना सिंह हौलदार नूं वर्दियां बनाउण दी जिम्मेवारी दित्ती। चरणजीत सिंह वीर ने मैनू लुधियाने छोटा ट्रक ते मरुति वैन खोह के लिया दित्ती। ट्रक नूं मैं ते बावे ने नीला रंग कराया, क्योंकि अखबारां विच ट्रक बारे बहुत आ चुका सी। फिर मैं बैंक के नेड़े ही अपने वाकब कोल अपनी खरीदी हुई मरुति वैन खड़ी कर दित्ती, तां कि लोड़ पैण ते उत्थों लै सकीए। उसनू असी कहा सी कि मुसीबत वेले तू कार लैके बाहर निकली, असी तेरे तो बहाने नाल खोह लवांगे। फिर मैं, लाभ सिंह, बिट्टू, चरणजीत सिंह आदि वीरां ने बैंक लई चंगे चंगे सिंह सिलैक्ट किए। असी बैंक लई ओ सिंह सिलैक्ट करन दी कोशिश की कि जो कदे ये ना माण करन कि मैं बैंक डकैती की। फिर असी सारिआं सिंघां नूं जिन्हां ने बैंक डकैती करनी सी लुधियाने सद्या। बैंक वाले सिंघां तो बगैर इस बारे किसी नूं ना दस्या गया। बैंक करन तो एक दिन पहला मैं, जनरल लाभ सिंह, मथुरा सिंह, गुरशरण सिंह गामा भलवान, मनजीत सिंह मंजू ते बाबा लुधियाने बैंक दे नेड़े किराए दे मकान विच इकट्ठे रात रहे। दलजीत सिंह बिट्टू भी लुधियाने किसी ठार ते ठहरिया सी। अजमेर सिंह प्रधान कोल ते शिंदू बलबीर सिंह फौजी दे कोल सी। कुछ वैसे ही लुधियाने ही रहिंदे सन, बाकी सिंघां नाल किसी जगह सवेर का समा रख दिता सी। वड्डे ट्रक ते तरपाल पा के पुलिस दीआं वर्दियां पा लईआं ते फिर कार ते बैंक करन दी तैयारी कीती। बैंक करन तो पहला ट्रक विच अरदास करके कड़ा प्रसाद वंडिया गया। धन्ना सिंह उर्फ जसपाल सिंह हौलदार ने इंस्पैक्टर की वर्दी पाई, बापू मलकीत सिंह भलवान, गुरदेव सिंह सत्यावाली ने हौलदारां की वर्दी पाई, राजविंदर सिंह राजी ने सिपाही की वर्दी पाई। भलवान ने स्टेन गन फड़ी सी, बापू ते गुरदेव सिंह सत्यावाली ने 3x3 दीआं राइफलां फड़ियां सन। मैं ट्रक लैके चुंगी ते पहुंचिया, क्योंकि सारिया सिंघां जिन्हां ने पुलिस वाले बनना सी चुंगी ते इकट्ठे होना सी। सारिया ड्यूटियां असी पहला ही सिंघां दीआं ला दित्तियां सन कि किस किस तरह ड्यूटी देनी है। पुलिस वाले बने सारे सिंह कार ते गए। मैं छोटा टोयोटा ट्रक लैके कार दे अगे चल पिया। जो वड्डा ट्रक सी वह महेश इंद्र सिंह महेशी नूं दे के बाईपास ते खड़ा कर दिता। मैं पुलिस की वर्दी वाले सिंघां तो 1 घंटा बैंक कोल पहला पहुंचिया। बैंक के नेड़े लाभ सिंह, सुखविंदर सिंह शिंदू ते बलबीर सिंह फौजी, जो मरुति वैन में AK-47 राइफल ते G3 वड्डियां राइफलां लैके बैठे सन, ताँ कि जदों असी डकैती करांगे तां उह सानू बाहरी हमले जिवें CRP तो बचाउणगे। काफ़ी दूर होण करके उन्हां बारे किसी नूं पता नहीं सी लगना। अजमेर सिंह प्रधान, गुरमीत सिंह टोनी ते लुधियाने दा नवतेज सिंह राजू नूं बैंक दे बाहर ही स्कूटर ते मोटरसाइकिल ते बुलाया सी। उन्हां नूं मैं आख्या सी जिथे मैं इशारा करिया करांगा उत्थे ड्यूटी करी जाणा। उन्हां दी आम जिहे वांग ही बैंक दे दुआले चक्कर लाउण दी ड्यूटी लाई सी।
बैंक के दो दरवाजे सन, एक वड्डा मेन गेट सी ते एक दरवाजा सी जो सवेरे 7:30 तो 9 बजे तक खुलता सी ते 9 बजे तो बाद वड्डा मेन गेट खुलता सी। बाहर वाली कंटीन ते सर्दियां करके सारे मुलाजम सवेरे आउंदिया ही चाह पींदे उत्थे पई अखबार पढ़ते सन, इस करके काफ़ी भीड़ सवेरे कंटीन ते हुंदी सी। मैं सिविल कपड़िया विच सी ते कंटीन ते बैठा सी। पिछले दरवाजे के बिल्कुल सामने कंटीन कोल पुलिस दीआं वर्दियां वाले सिंह बैंक डकैती लई आ गए। सिंह 9:02 ते आए, ट्रैफिक ज़्यादा होण करके थोड़ी देर हो गई, लेट होण करके बहुते मुलाजम आ चुके सन, पिछला दरवाजा भी खुल गया सी। इस करके मैं छेती उत्थों उठ के जा के मथुरा सिंह नूं कहा कि अज बैंक करना ठीक नहीं, कल करांगे। बाकी भी सिंह जो उत्थे सन उन्हां नूं भी अगले दिन पूरे 8:30 आउण लई कहा। फिर असी अगले दिन लुधियाने चुंगी ते दिल्ली रोड ते इकट्ठे होए, ट्रक विच अरदास कीती गई ते एक लुधियाने दे ठार वाले सिंह तो कड़ाह प्रसाद बना के वरताया गया। मैं पहले दिन की तरह छोटा ट्रक लै के 8 बजे बैंक कोल आ के सारे सिंघां नूं आपो अपनी ड्यूटी ते खड़ा कीता। अपने वाकव लुधियाने दे सिंह नूं मोटरसाइकिल ते पेट्रोलिंग करन लई कहा। उस बारे मैनू ते बिट्टू नूं ही पता सी। मैं 8:55 ते कंटीन ते बह गया ते पूरे 9 बजे बैंक के सामने साड़ी पुलिस वाले बने सिंघा वाली कार आके खड़ी हुई। उस विचों बाबा धन्ना सिंह इंस्पैक्टर पलवान ते बापू हौलदार की वर्दी विच, राजी ते सत्या वाली सिपाही की वर्दी विच सन, हाथ विच राइफलां सन। पलवान ने स्टेन गन फड़ी सी, बाबा इंस्पैक्टर का मुंशी बनिया सी, हाथ विच डायरी फड़ी सी, वह सिविल कपड़िया विच सी। ये सारे कार विचों उतरे। उन्ने चिर नूं चरणजीत सिंह चन्नी भी मेरे कोल आ गया। सिंह कार विचों उतर के बैंक के पिछले गेट वल बिल्कुल असली पुलिस वांग ही आ रहे सन। धन्ना सिंह ने जिस तरह पुलिस वाले सवेरे सवेरे दाढ़ी उपर ठाठी बनते हैं उस तरह बनी सी। मैं ये सारी खेड कंटीन ते बैठा देख रहा सी। थोड़ी दूर गुरमीत सिंह टोनी खड़ा सी मेरी डब विच, गुरमीत सिंह टोनी दी डब विच ते चरणजीत सिंह सब कोल पिस्टल सन। बैंक के पिछले पासे लुधियाने वाले राजू की ड्यूटी लाई सी, उस कोल भी पिस्टल सी। बैंक के सामने प्रधान खड़ा सी, उस कोल हथियार नहीं सी। उसनू असी जानबुझ के हथियार नहीं सी दिता क्योंकि वह मामूली जिही गड़बड़ समय ही चला सकता सी जिस नाल साडी बैंक डकैती असफल हो सकती सी। मैं पहला सवेरे 2 बार बाथरूम के बहाने जाके अंदरों बैंक वेख आया सी। 5-7 आदमी ही बैंक विच सन, पुलिस गार्ड अंडरग्राउंड सेफ विच जो कमरे सन उत्थे सन। पुलिस की वर्दी वाले सिंह पूरे 9 बजे पिछले दरवाजे राही बैंक विच दाखिल हो गए। मैं चाह वाले कोल खड़ा सी। मैं चाह वाले नूं आख्या मैं CBI का अफसर हाँ ते जो पुलिस अंदर गई है वह मेरे नाल आई है। असी बैंक विच कुछ हेराफेरी फ्राड ते गलत करंसी करके छापा मारिया है, तू कोई गड़बड़ कीती तां आ वेख ला। मैं अपनी डब वाला पिस्टल इशारे नाल थोड़ा जिहा विखाया, वह डर गया। मैं उन्हूं कहा साढ़े बैंक रेड विच तेरे कारण कोई विघन आया तां असी गोली भी मार सकते हैं, असी सारी बैंक घेरी हुई है। मैं उसनूं अपने साथी टोनी ते राजू भी इशारे नाल विखाए कि आ वेख लै। उस समय उस कोल कोई गाहक नहीं सी खड़ा, उसकी दुकान पर 2 छोटे लड़के काम करने वाले आ गए। मैं उन्होंने एक नूं अंदर जाने लई कहा कि इंस्पैक्टर साहब अंदर हन, उन्हां तो चाह का आर्डर लैके आ। वह लड़का अंदर चाह का आर्डर लैन चला गया। मैनू पता सी कि साड़ी स्कीम अनुसार जो बैंक अंदर जाएगा वह बाहर नहीं आ सकता। पुलिस की वर्दी वाले सिंघां दे मगर उस समय बिट्टू चरणजीत सिंह ते मंजू बैंक अंदर चले गए। बिट्टू ते मंजू दे हाथ विच अटैची सन जिन्हां विच स्टेन गन्ना सन। मेरे कोल इक चाह वाला लड़का होर आ गया ते अंदर इस बहाने भेज दिता कि पता लैके आ, पहला लड़का आर्डर लैन गया सी वापस क्यों नहीं आया। फिर एक बैंक का चपड़ासी भी उत्थे आ गया, उसनू मैं कहा इंस्पैक्टर साहब तुहानू अंदर बुलाउंदे हन। इस तरह उसनू भी अंदर भेज दिता ते उसनू भी अंदरले सिंघां ने दूसरियां विच एक साइड पर बहा लिया। फिर मैं कंटीन वाले नूं आख्या दुध लुका लै ते किसी नूं भी चाह बना के नहीं देनी, जे कोई पुछे तां आखना दुध नहीं आया। उसने दुध हेठां लुका लिया। फिर उत्थे अखबार आई, वह अखबार मैं फड़ के चरणजीत सिंह नूं फड़ा दित्ती तां कि अखबार पढ़न करके कंटीन ते कोई खड़ा ना होवे ते सीधा बैंक के अंदर ही जाए। उधरों जदों पुलिस की वर्दी वाले सिंह धन्ना सिंह होरी बैंक के हेठां कमरे विचले असली पुलिस वालियां कोल गए तां बाबा धन्ना सिंह नूं उन्हां ने असली इंस्पैक्टर समझ के खड़े होकर सलूट मारिया। वह पुलिसिए बहुत ज़्यादा डर गए,
क्योंकि उन्हां विचों दो पुलिस वाले गैर हाजिर सन, पिंड गए हुए सन। उन्हां विचों असली हौलदार तां धन्ना सिंह दे अगे हाथ जोड़ के खलो गया ते कहण लगा कि मैनू माफ कर दिओ। धन्ना सिंह ने उन्हां तों रोज़नामा वाला रजिस्टर ते हथियार लै लए। जदों हथियार सिंघां दे काबू आ गए तां धन्ना सिंह ने उन्हां नूं दस दिता कि असीं नकली पुलिस वाले हाँ ते बैंक लुट्टण आए हाँ, पर असली पुलिस वालिया ने इस गल नूं मजाक विच लिया ते माफ़ी मंगी जाण। फिर भलवान ने पुलिस वाले नूं काफ़ी जोर नाल इक थप्पड़ मारिया तां जाके उन्हां नूं समझ आई। फिर जिथे दूजे गाहक ते मुलाजम बिठाए सन उत्थे असली पुलिस वालियां नूं भी बिठा दिता। चरणजीत सिंह पिछले गेट ते ही खड़ा सी। टोनी, राजू ते प्रधान आम लोकां वांग बैंक दे दुआले तुरे फिरदे ध्यान रख रहे सन। असीं सारियां नूं गोली चलाउण तों मना कीता सी, चाहे जिन्नी भी गड़बड़ हो जावे। कहा सी जिन्ना चिर भलवान बिट्टू ते मैं ना कहां उन्ना चिर गोली नहीं चलाउणी, क्योंकि बैंक करन लई कई नवें सिंघ सन। मैं बैंक अंदर आउंदा जांदा रहिंदा सी ते उस समय टोनी नूं चाह वाले कोल खड़ा कर दिता। जनरल लाभ सिंह मरुति वैन खड़ी दिसदी सी। उन्हां दी ड्यूटी सी कि बाहरी हमले तो अंदर वालिया सिंघां नूं बचाउणा है। इस तरह बिल्कुल ठीक ठाक सारा काम चल रहा सी। तकरीबन 9:30 बजे बैंक के बहुत ही मुलाजम लगातार आई जाते ते सारे आ के चाह वाले नूं चाह बनाउण लई कहिंदे। चाह वाला दुध ना होण दा बहाना करके वापस कर दिंदा। वह बैंक अंदर चले जाते ते सिंघां दे काबू आ जाते। फिर कई अखबार बारे पुछदे ते वह कह दिंदा कि अज अखबार आया नहीं। वह मुलाजम अगों हस के कहिंदे कि अज दे दिन ही इस तरह हो रहा है। कदे कदे चरणजीत भी बैंक अंदरों मेरे कोल आ जांदा सी। फिर मैं राजी नूं जो पुलिस वर्दी विच सी बैंक दे मेन दरवाजे ते जो अजे बंद सी इधर उधर चक्कर लाउण लई कहा। वह साइकिल फड़ के गेट दे अगे चक्कर बिल्कुल असली पुलिस वांग लगा रहा सी, असली सिपाही लग रहा सी। उसने मैनूं पुछया मैं ठीक तरह ड्यूटी कर रहा हाँ, तो मैं आख्या मेरा वीर बहुत ही सोहनी तरह ड्यूटी कर रहा है। कंटीन दे नाल ही स्कूटर ते साइकिल स्टैंड सी। इन्ने चिर नूं 4-5 कुड़ियां बैंक दे सामने आईयां। एक लड़की राजी वीर कोल आई, बाकी थोड़ी दूर खड़ियां रहियां। लड़की राजी वीर नूं कुछ पुछ रही सी। राजी वीर ने उस लड़की नूं मेरे वल भेज दिता। मैं भी अगे होकर उस कुड़ी नूं मिलिया ते मैं उस नूं इस तरह शो किया जिवें मैं बैंक मुलाजम ही हाँ। लड़की ने मैनूं कहा मैं हरीश नूं मिलना सी। मैं उस नूं वापस भेजण लई जाण बुझ के ही कह दिता हरीश तां किसे जरूरी काम गया है, 12-1 बजे आएगा, तुसी इस तरह करना कि 2 बजे आ जाना, कोई सुनेहा है तां दे दिओ। वो कुड़ी मैनू यह कह के चले गई कि उसनू कहना कि अनीता आई सी कल मैनू मिले। मैं आख्या ठीक है जी तुहाडा सुनेहा दे देंगे। वो थैंक यू करके चले गई। मैं इन्हां लड़कियां नू इसलिए झूठ बोलिया सी क्योंकि एक लड़की बैंक अंदर जाती तो अंदर ही रह जाती तो बाहर खड़िया लड़कियों तो मुश्किल हो सकती सी। असी सारे बैंक के परसनल गार्डा पीएनआ ते कैशियरा गेट खोलन वालियां दी पछाण पहला ही कीती हुई सी। हुण 10 बज चुके सन, इस करके मुलाजम ते गाहक बहुत आ रहे सन। रोज़ाना दी तरह मेन दरवाज़ा 10 बजे खोलन लगे। पिछला गेट बंद कर दिता, जिहड़ा रोज़ाना पीएन दरवाज़ा खोलदा सी उस बारे मैं भलवान वीर नूं दस दिता। भलवान उसनूं नाल लैके मेन दरवाज़ा खोलन गया। भलवान वर्दी विच खड़ा सी। पीएन कोलों डरदिया ही चाबियां नहीं सी लग रहियां। ज़्यादा समा चाबियां ना लगन करके बैंक के बाहर मुलाजमान की काफ़ी भीड़ लग गई सी। मैं भी उन्हां विच ही खड़ा सी। इशारे नाल मुलाजम चाबियां दस रहे सन कि ऐ लाओ लग जाएगी। उन्हां नूं कोई पता नहीं सी कि की हो रहा है। जदों काफ़ी चिर चाबियां ना लगियां तां मैं उन्हां नूं पिछला गेट पहलां वांग ही खोलण लई कहा। उन्हां भलवान होरां पिछला गेट खोल दिता। मैं टोनी, राजू, प्रधान होरां नूं अपने नाल उन्हां मुलाजमान दे पिछे खड़ा कर लिया तां कि कोई गड़बड़ होण ते इन्हां नूं काबू करके बैंक अंदर लिजाया जावे। पिछले गेट ते भलवान, मथुरा सिंह ते चरणजीत सिंह खड़े सन ते एक बैंक दा गार्ड भी खड़ा सी। उस कोल कोई राइफल नहीं सी क्योंकि उन्हां दीआं राइफलां भी साढ़े काबू आ गईआं सन। उस गार्ड नूं मथुरा सिंह होरां कहा सी कि जे कोई गड़बड़ कीती तां गोली मार देंगे। वो कहिंदा मैनूं गोली ना मारियो, मेरियां 5 लड़कियां विआहुण वालियां ने, कोई खराबी नहीं करांगा। हुण जदों पिछले गेट राहीं मुलाजम ते गाहक बैंक अंदर जा रहे सन तां मथुरा सिंह ते भलवान कईआं नाल हाथ मिला रहे सन जिवें पहलां ही जाणदे होण। गार्ड भी बड़ा खुश नज़र आ रहा सी क्योंकि उसनूं मथुरा सिंह ने खुश रहण लई कहा सी तां कि किसे नूं शक ना होवे।
इस तरह बिना गड़बड़ तो सारे मुलाजम बैंक अंदर चले गए। अंदर सिंघा ने जदों एक पासे सब नू स्टेन गन्ना दी छावें बिठाया तो सारे मुलाजम हैरान हो गया। मैं भी बैंक अंदर चला गया। मैं सारे मुलाजमान ते गाहकां नू कहा, असी तुहानू कुछ नहीं आखांगे, हाँ जे गड़बड़ कीती तां गोली मार देंगे। असी बैंक लुटण आए हाँ, लुट के चले जावांगे, तुहाडे नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं, साडी सरकार नाल टक्कर है। फिर मैं बैंक के बाहर आ गया तो कंटीन ते बैठ के बैंक की सारी देख रेख करन लगा। कुछ देर बाद एक 50 साल का आदमी जिसने हाथ में झोला फड़िया सी ते चादर बद्धी सी, वो आदमी गेट ते पहुँच के एकदम इस तरह पिछे मुड़िया जिवें किसी नूं पता ही ना लगा होवे ते किसी ने वेख्या ही ना होवे। मैं समझ गया कि इस नूं शक पै गया है। मैं भी उहदे पिछे तुर पिया ते मैं उस नूं इस तरह आवाज़ मारी जिवें उस नूं कुछ पुछना होवे। इन्ने चिर नूं मथुरा सिंह ते चरणजीत भी बैंक तों बाहर आ गए क्योंकि गेट ते उहनां नूं उस आदमी बारे पता लग गया सी। टोनी राजू नूं भी इशारे नाल बुला लिया। मैं उस आदमी नूं खिलार के कहा, बैंक अंदर चल, साढ़े पेंट दियां डब्बां विच हथियार ने, असीं पुलिस वाले हाँ, बैंक रेड कीता है, इस करके तू साढ़े नाल बैंक अंदर चल पाओ नहीं तो गोली मार देंगे। पर वह ना मनिया, उसने रौला पा दिता कि मैनू गोली ना मारियो। असी सारिया ने उसनू फड़ के बैंक अंदर लिजाण की कोशिश की, वह जमीन पर लेट गया। लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए, मथुरा सिंह भी छड़ के खलो गया कि काम खराब हो गया। पर मेरे मन में एकदम विचार आया तो मैं मथुरा सिंह नू कहा, अंदरों बापू नू बुला लै। मथुरा दबा दब बापू नू अंदरों लै आया। बापू मलकीत सिंह ने हौलदार की वर्दी पाई सी ते राइफल फड़ी हुई सी। बापू ने आके उस आदमी नू दबका मारिया ते अंदर लै गया। बापू की उम्र ज़्यादा होण करके ते पुलिस की वर्दी पाई वेख के किसी नू बिल्कुल भी शक ना होया। वह आदमी भी पुलिस की वर्दी होण करके अंदर चला गया सी। सारिया ने समझा कि पुलिस का मामला है। उस समय एक उस ही बैंक मुलाजम ने मेरे तो पूछया की गल हो गई, इसनों क्यों फड़ के बैंक अंदर लै गए। मैं कहा, पता नहीं की गल आ, मैनू पुलिस वाले ने हाथ पवाउण लई कहा, मैं हाथ पवाता। वह बैंक मुलाजम सी, इस करके मैं पुलिस की रेड उसनों नहीं किया ते उस ते निगाह रखता रहा, पर उसनों कोई शक नहीं पिया ते वह भी बैंक अंदर चला गया। हुण मैं उधर होया। जे लोग बैंक के अहाते तो बाहर ये झगड़ा वेख के इकट्ठे हुए सन, उन्हां वल मैं जान बुझ के गया तो उन्हां मेरे तो पुछया की गल हो गई सी। मैं आख्या, साला मेंटल बड़ा पुलिस वालियां नूं गालां कढ रहा सी, गालां कढ़ेगा तो पुलिस वाले फड़नगे ही ना, वह सुन के चले गए। बाकियां वल जो सड़क ते दूजे पासे खड़े सी, राजू नूं भेज के यही गल खवा दित्ती ते वह भी चले गए। इस तरह किसी नूं भी शक ना होया ते मैं चाह वाली कंटीन ते चला गया। फिर एक नौजवान मुंडा आया, वह भी गेट तो बुढ़े वाग ही मुड़ गया। उसनों भी शक पै गया सी। मैं उसनों भी बुढ़े वाग गल करन दे बहाने नाल खिलार लिया। टोनी भी मेरे कोल उस समय आ गया। चरणजीत बैंक गेट पर खड़ा सी, पूरी तैयारी विच सी। उस नौजवान मुंडे नूं मैं आख्या कि असी सारी बैंक घेरी हुई है, इस करके चुप करके साढ़े नाल बैंक अंदर चल। उसने बिल्कुल भी जिद ना की ते कहिंदा चलो, ते मेरे नाल बैंक दे दरवाजे नूं तुर पिया। पर मैनू शक सी कि यह जरूर भज्जण की कोशिश करेगा। बैंक के पिछले पासे बैंक का ट्रेनिंग सेंटर सी, काफ़ी वड्डा सी। उस साइड ते 10 फुट उच्चा लोहे का जंगला सी। वह नौजवान मुंडा जदों बैंक के दरवाजे कोल गया तो एकदम बैंक के पिछले पासे जंगले वल भज उठा। मैं ते चरणजीत सिंह ने उसनू फड़ लिया। वह मुंडा बहुत ज़्यादा डर गया ते कहिंदा मैनू मारियो ना। असी उन्हें फड़ के कंटीन कोल लै गए तो उसनों हौसला दिता, कमलिया तेनू असी क्यों मारना है। वह कहिंदा मैनू इत्थे ही बिठा छड़ो, बैंक अंदर ना खड़ियो, मैं इत्थे ही बैठा रहूँगा, रौला नहीं पाऊँगा। मैं आख्या ठीक है, इत्थे ही बैठा रह। थोड़े समय बाद मैं आख्या, वेख तू भज रहा सी ते वह साडा पुलिस वाला राइफल लैके खड़ा है, उसने तेरे पिछे गोली चला देनी सी ते तेनू मारना होवे तां की हुण असी इत्थे नहीं मार सकते, पर असी तेनू क्यों मारना है, एवें डरी जाना, तेनू कुछ नहीं कहांगे। और वेख कंटीन वाला, इहनू सारा कुछ पता है, ये भी चुप करके खड़ा ही है, इसनू असी कुछ नहीं कहिंदे, इस करके तू भी बैंक अंदर चल। वह मेरी प्यार नाल गल मन के बैंक अंदर चला गया। अंदर जाके उसनू दूसरिआं विच बिठा दिता। फिर जिन्हां ने उहनू भजदिआं वेख्या सी उहनां वल मैं तुर पिया। वह जंगले के दूजे पासे ट्रेनिंग सेंटर वल ट्रेनिंग लैण वाले सन ते उन्हां नू दस्या कि असी CBI वाले हाँ ते बैंक विच रेड कीता है कुछ बैंक फ्रॉड ते गलत करंसी करके। तो वह मैनू कहिंदे सानू तां कुछ समझ नहीं आउंदी। मैं आख्या CBI किस काम दी, जे तुहानू ही सारा कुछ समझ आ गया तां। वह भी हैरान हो के पिछे नू तुर पए। मैं भी वापस कंटीन वल आ गया ते राजू नू इशारे नाल उन्हां ते नज़र रखण लई कहा।
ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੁਲਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਭਲਵਾਨ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਭਲਵਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਭਲਵਾਨ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇਨ ਗਨ ਫੜੀਓ ਸੀ। ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੇਫ ਵੱਲ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੇਫ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਸੇਫ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੰਜੂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ 15 ਬੋਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਣਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਟਰੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਲਵਾਨ ਅਤੇ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜੂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਲੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਡਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡਾਂਟਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ। 3-4 ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਈਆਂ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚਲੀ ਮੇਨ ਸੇਫ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ, ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਮੰਜੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਫਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਸਟ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਾਰੇ 5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਸਟਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਆਦਮੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੇਫਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ 100-100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਮੰਜੂ ਵੀਰ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਣ। ਕੋਲ ਹੀ ਵੀਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟੋਪੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿੱਟੂ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਟੋਪੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਹਿਨ ਲਈ। ਕੁਝ ਭਈਏ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਭਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਰਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
बैंक वालियां नाल काफ़ी समा इकट्ठा रहन करके बैंक वालियां नाल असी काफ़ी नेड़ता बना ली ते बैंक वाले भी साडे नाल गल्लां करदे ते बिल्कुल ही सानू अपना ही समझण लग पए ते साडियां सिफतां करन लगे। असी सारी बैंक विच सारियां नू आख्या किसे नू भी पैसे की जरूरत है तो जिन्नी लोड़ है लै सकदा है, जेकर इत्थे नहीं कोई पैसे लेना चाहुंदा तां सानू अपना एड्रैस दे दिओ असी पैसे घर भेज देवांगे, पर किसी ने भी पैसा लैण ते एड्रैस देण दी हिम्मत ना कीती। धन्ना सिंह वीर ने बैंक के अंदर खालिस्तान बारे काफ़ी लैक्चर किया। मैं ते पलवान बोरियां भर भर के ट्रक में रखी जा रहे सी। चरणजीत सिंह वीर भी बैंक के बाहर आ के बाहर का हाल चाल वेख रहा सी ते एरिया मैनेजर की कार के ड्राइवर नाल गल्लां कर रहा सी। एरिया मैनेजर भी बैंक के अंदर सिंघां दे काबू विच सी। ड्राइवर नौजवान सरदार सी, उह चरणजीत नूं कहिंदा कि सरकार शरेआम बोरियां विच पैसे लिजा रही है। चरणजीत को लग्या कि ड्राइवर को शक हो गया है। चरणजीत वीर ने मैनू इशारे नाल कहा कि कर दईए ड्राइवर को भी अंदर। मैं बहाने जे नाल चरणजीत को बुला के कहा कि इस ते नज़र रख, जे खराबी करेगा तो कार विच ही बहा ली, अंदर खड़ना ठीक नहीं। इस तरह चरणजीत ड्राइवर के कोल खड़ा रहा ते हासे दीआं गल्लां करदा रहा। मैं जदों लाभ सिंह होरां दी वैन वल गया तां उन्हां मैनू छेती करन दा इशारा किया, क्योंकि बैंक विच सानू 2 घंटे तो उपर दा समां हो गया सी। लाभ सिंह वीर होरी नाले इशारे कर रहे सी, नाले मेरे वल वेख के हस रहे सी। जदों असी ट्रक विच बोरियां लद रहे सी तां मथुरा सिंह हर वारी लंघदियां नूं कहिंदा रहिंदा सी कि बस करो बहुत हो गए हन। बैंक विच 100-100 दे नवें नोट भी बहुत सन, पर असी पुराने 100 दे नोट ही लए। सारे 100 रुपए वाले नोट लए, दूसरे नहीं लए। 15 बोरियां 100-100 दे नोटां नाल उपर तक भर गईयां सन। बोरियां भर जाण करके असी पुलिस वालियां दीआं रजाइयां ते छाड़ ते चादरां विच पैसे बन्ने ते ट्रक विच रखे। अखीर मैं पलवान चरणजीत मंजू ते प्रधान टोयोटा ट्रक जिहदे विच नोटां दीआं बोरियां सन लै के उत्थों चल पए। बाकी सिंघां ने पहलां ही बनाई स्कीम अनुसार अद्धा घंटा बाद बैंक विचों बाहर आउणा सी तां कि उदों तक असी पैसे लै के अपने सुरक्षित टिकाणे ते पहुँचा सकीए। असी जिथे भी पैसे खड़ने सी उहदे बारे मेरे पलवान ते चरणजीत तों इलावा किसी नूं पता नहीं सी। ट्रक चरणजीत चला रहा सी, बाकी असी उहदे नाल अगे बैठे सी। एक सिंह ट्रक के पिछे बोरियां कोल खड़ा सी। ट्रक विच ही पलवान ने पुलिस की वर्दी उतार के सिविल कपड़े पाए। बैंक तो 5 किलोमीटर दूर GT रोड से महेशिंदर सिंह मेसी वड्डा ट्रक लैके खड़ा सी। मेसी कोल पहुँच के सड़क तो थोड़ा दूर पैसों वाला ट्रक ते वड्डा ट्रक बिल्कुल नाल खड़ा करके ट्रक विचों छेती छेती पैसे रखे। टोयोटा ट्रक प्रधान ते मेसी नूं दे दिता ते कहा कि इस ट्रक नूं शहर के दूजे पासे छड्ड आओ। जे साइड असी जाना सी उस तो दूसरी साइड छड्डण लई कहा तां कि पुलिस सानू दूजी साइड वल ही लभदी रहे। ते वड्डा ट्रक जिस विच हुण पैसे रखे सन उस नूं मैं चरणजीत पलवान ते मंजू लैके चल पए। उस बारे मेसी ते प्रधान नूं भी पता नहीं सी कि असी किधर नूं जा रहे हां। बाकी जो सिंह बैंक विच सन उन्होंने साढ़े जाण तो अद्धे घंटे बाद बैंक के सारे मुलाजमान ते गार्ड नूं बैंक विच बंद कर दिता ते अपनी कार स्कूटर मोटरसाइकिल ते उत्थों चल पए। लाभ सिंह वीर होरी भी मरुती वैन ते उन्हां दे पिछे चल पए। 2 किलोमीटर दूर एक सिनेमे दे कोल एक सिंह राजविंदर सिंह कालिया खड़ा सी। उस नूं पुलिस दी वर्दी वाले सिंघां ने कार दे दित्ती ते आप छिंदू वीर होरां वाली मरुती वैन विच चढ़ गए। छिंदू वीर ते लाभ सिंह थोड़ी दूर अगे उतर के बस ते चढ़ के शहरों निकल गए। मथुरा सिंह बैंक तो ही लागले स्टैंड तो बस ते चढ़ के अमृतसर चला गया सी। बावा वीर बाकी दे सिंघां नूं गलियां राहीं लिजा रहा सी। वैन दे विच ही सिंघां ने वर्दियां बदल के सिविल कपड़े पहन लए सन। एक एक करके सारे उतर के शहर छड़ गए। बावे ने मरुती वैन फील्ड गंज वाले पुल दे हेठां ला दित्ती ते उत्ते तरपाल पा दित्ती। वैन विच काफ़ी हथियार सन पर तरपाल उपर पाई करके दिखते नहीं सन। असी पैसों का ट्रक लैके लुधियाने अपने एक फैक्टरी वाले वाकब दे कोल चले गए। उसनू उस समय ही दसिया कि असी कुछ गलत समान ट्रक विच रखिया है, कुछ फैक्टरी का समान इहदे उपर रख के ये समान हेठां लुकाउणा है। उसने कहा ठीक है मैं रखा दिना हाँ। असी कहा असी आप ही समान रख लांगे। उन्ने चिर नूं अचानक एक CRP का टैंपू आ के कोल खलो गया ते छेती छेती CRP वाले उहदे विच्चों उतरन लगे। असी दबा दब ट्रक विच चढ़ के ट्रक भजा लिया। असी सोच लिया सी कि CRP नूं पता लग गया है, हुण बचना मुश्किल है। असी समझदे सी कि शायद वायरलैस ते खबर पहुँच गई होवे। असी ट्रक दे विच हथियारां नूं बोल्ट मार लए सन ते नाले वाहिगुरू का जाप करन लग पए कि वाहिगुरू पैसे बचा दे, क्योंकि सिंघां ने इन्नी मेहनत की आ व्यर्थ ना जावे।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਰਿਮ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਢੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਉਤਾਰ ਕੇ 3-4 ਦਿਨ ਸਖਤੀ ਦੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ CRP ਦਾ ਨਾਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਏ ਕਿ ਜੇਕਰ CRP ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਫੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਢੱਕੇ ਸਨ। ਭਲਵਾਨ ਮੰਜੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਕਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਵੀਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਦ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਢੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਲਾ ਦੱਸ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੋਡੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਡੋਡੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ ਉਸਨੇ VCR ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੰਜੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਵੈਨ ਲੈ ਆਉਣ। ਮੰਜੂ ਉਸ ਠਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਆਇਆ। ਮੰਜੂ ਅਤੇ ਠਾਰ ਵਾਲਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੰਜੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਠਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਠਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ TV 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ 5,70,00,000 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਠਾਰ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਇੱਟਾਂ ਥੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਭਲਵਾਨ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਵੀਰ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮਰੂਤੀ ਵੈਨ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਠਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਏ। ਪੁਲਿਸ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੈਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਚਾਚਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਮਾ ਭਲਵਾਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਲਵੰਡੀ ਉਰਫ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਤਿਆਂਵਾਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,
शहीद जनरल लाभ सिंह उर्फ भाई सुखदेव सिंह सुखा अमृतसर, शहीद बापू मलकीत सिंह राजस्थान, भाई दलजीत सिंह बिट्टू उर्फ सतीश लुधियाना, शहीद भाई सुखविंदर सिंह सिंधू उर्फ शर्मा, शहीद भाई सुखविंदर सिंह सिंधू उर्फ शर्मा अमृतसर, भाई बलबीर सिंह फौजी, शहीद भाई मनजीत सिंह मंजू अमृतसर, शहीद भाई सतनाम सिंह बाबा अमृतसर, भाई नवजोत सिंह राजू लुधियाना, भाई महेश इंद्र सिंह जो ट्रक लैके खड़ा सी उर्फ महेशी शायद लुधियाना, भाई हरजिंदर सिंह कालिया जो कार लैके 2 किलोमीटर ते खड़ा सी लुधियाना, भाई जसपाल सिंह उर्फ बाबा, भाई धन्ना सिंह हौलदार जलंधरों सस्पेंड होया रिबैरो कांड विच भी DSP बनया सी, रहिंदी दुनिया तक सदा अमर रहिंदे नाल मौत दे जी परचाउण वाले सेज दिलां दी मान दे जुगां तीकर आशक सूलियां ते गीत गाउण वाले।